अच्छा, आज एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। ओके, तो ये है हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज हम क्यों यूज़ करते हैं? स्मॉल स्मॉल से स्मॉल रीडिंग, मतलब मिलीमीटर में रीडिंग लेनी हो तो हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। ऐसे नॉर्मल स्केल से हम रीडिंग ले सकते हैं, नॉर्मल स्केल से हम रीडिंग ले सकते हैं। नॉर्मल स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकते हैं, ऐसे ही हम 1 ईयर कैलिपर से 0.01 सेंटीमीटर की रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी नीचे की रीडिंग हमने लेनी है मिलीमीटर में, तो हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गेज के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या है। देखो ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, 2 पॉइंट हैं। दिस इज अ ए पॉइंट एंड दिस इज अ बी पॉइंट। इन इस चीज इनको हम बोलते हैं स्टड्स। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको यहाँ पे लीनियर स्केल मिलेगा। ठीक है, ये नीचे वाला लीनियर स्केल, इसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, मेन स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, जिस पे रीडिंग होगी 0 to 5। 0 to 5 क्या है? ये मिलीमीटर में है। ठीक है, इसको इसकी रीडिंग हम एक डिवीजन की रीडिंग हम मिलीमीटर में लेते हैं। उसके बाद आप ऊपर देख रहे हो ये जो एक आपको सर्कुलर मूवमेंट में दे रहा है, दिस ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, और सर्कुलर स्केल पे आप रीडिंग देख रहे हो, क्या रीडिंग है इस पे? 0 to 90। तो कितनी रीडिंग है? 100 डिवीजन है इनमें। ठीक है, 100 डिवीजन की रीडिंग है। तो इसको हम बोलते हैं रैचेट। ठीक है, ये रैचेट किसके लिए यूज होता है? ये रैचेट यूज होता है पिच स्केल को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप इसको मूव करोगे। ठीक है, इस तरीके से मूव करोगे तो ये जो हमारा लीनियर स्केल है और सर्कुलर स्केल है, ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस ये पूरा टाइटली क्लोज हो जाएगा। तो हमने कैसे इससे रीडिंग कैसे लेनी होती है? देखो इसको हम रैचेट से ही पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे इसकी रीडिंग लेंगे ये मैं आपको एक पहले आप रीडिंग लेने से पहले बताना चाहिए कि पिच क्या चीज होती है। ठीक है, पिच क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो वो चीजें पता होंगी तभी आप इस पे रीडिंग ले सकते हो। देखो अब आप देखो इसकी वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज की वैल्यू 1 डिवीजन की। ठीक है, ये देखो ये लीनियर स्केल। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। तो क्या होगी हमारी लीनियर स्केल की वैल्यू? जो मैंने आपको पहले बताया 0.1 मिलीमीटर, इसकी ए की वैल्यू होगी। ठीक है, 0.1 mm लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू। उसके बाद है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, किसकी? ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, अब आपने सर्कुलर स्केल में देखनी है जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। तो सर्कुलर स्केल पे मैंने आपको बोला कितनी डिवीजन है आपकी? 100। ठीक है, 100 है। स्क्रू गेज की कितनी रोटेशन, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू स्क्रू आप कितनी दे सकते हो? आप टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू स्क्रू तो कितनी होती है इसकी? 5। ठीक है, अब आपने देखना है लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 5। ठीक है, 5 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, 5 कंप्लीट रोटेशन में हम देखेंगे कि हमारा लीनियर स्केल, ठीक है, 5 कंप्लीट रोटेशन में हम देखेंगे कि हमारा लीनियर स्केल क्या मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम रैचेट यूज करेंगे। पहले आप इसको स्टड को दोनों को एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर लो, फिर 5 आप देखो जो आपके सर्कुलर स्केल का 0 है
आपके पिच स्केल के साथ उसका जीरो कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसकी 5 कंप्लीट रोटेशन दोगे। जब आप इसकी 5 कंप्लीट रोटेशन दोगे तो आप देखोगे कि आपका लीनियर स्केल पे क्या रोटेशन, क्या रीडिंग आएगी। तो कैसे देखो, ये है इस तरह से एक, ठीक है, फिर दो, फिर तीन, चार और ये पांच। देखो आपने 5 कंप्लीट रोटेशन दी तो आप देखो लीनियर स्केल पे आपकी, ये लीनियर स्केल पे आपकी क्या मूवमेंट हुई, तो कितनी रीडिंग आई देखो, 1 2 3 4 5। सो हमने जब इस स्क्रू को 5 कंप्लीट रोटेशन दी तो उसमें हमारी लीनियर स्केल की मूवमेंट हुई 5 mm, ठीक है। तो इससे हमारा पिच निकलेगा, ठीक है। पिच पिच क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ द स्क्रू क्या होगी? पिच ऑफ द स्क्रू आपकी होगी जो आपने लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, मूव्ड बाय स्क्रू, ठीक है। और क्या, जो हमने नंबर ऑफ रोटेशंस दी हैं, जो आपने अभी 5 रोटेशंस दी हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 ही ये रोटेशन आई, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस पे 5 आपकी रीडिंग ये, ठीक है। उसके बाद रोटेशन कितनी दी थी आपने? वो भी 5 दी थी, ठीक है। तो कितना आएगा? 1 mm, ओके। उसके बाद हम निकालेंगे लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट किसका? स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा? वो होगा जो आपने पिच निकाला है, तो पिच क्या है आपकी? दैट इज 1, एंड पिच के साथ हम देंगे नंबर ऑफ डिविजन्स किसकी? सर्कुलर स्केल की, ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल की। तो पिच हमारी क्या थी जो आपने 1 mm निकाली है, और नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल की कितनी है आपकी? 100, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? इसको करोगे आप, हमारा आएगा 0.01 mm, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, अब हम रीडिंग कैसे लेंगे? आप वायर लो, ठीक है, वायर को इन स्टड के बीच में हम पुट करेंगे इस तरीके से, रैकेट से होल्ड करके इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे। अब हमें कैसे इसकी रीडिंग, इसकी मेजरमेंट लेने के लिए हमें क्या करना होता है? देखो इसकी हम मेजरमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड करने के लिए इसका क्या फार्मूला होता है? मेन स्केल, ओके, इनटू पिच प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग लोगे आप, ठीक है, सर्कुलर स्केल में जो डिस्टेंस मूव करेगा, इनटू लीस्ट काउंट, ये इसका फार्मूला है हमें डायमीटर फाइंड करने के लिए। तो देखो हमने, मैंने वायर पुट कर दी है, तो अब इसके आप देखोगे मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग आप किससे देखोगे? यू ये वाला स्केल है आपका, जिसको मैं पिच स्केल और लीनियर स्केल से भी डिनोट कर रही हूँ। तो इसकी रीडिंग देखो कितनी है, 1 2 3 4। तो आपकी क्या रीडिंग है मेन स्केल की? 4 इंटू पिच, पिच आपने क्या निकाली है? पिच आपने, पिच हमारी क्या थी? 1, ठीक है। उसके बाद प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, देखो बच्चों सर्कुलर स्केल की रीडिंग आप देखोगे सर्कुलर स्केल से, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए देखो यहाँ पे आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ठीक है, इस तरीके से देखोगे आप तो हमारी रीडिंग कुछ यहाँ पे, देखो इसको आप ना पूरा टाइटली होल्ड करना है। देखो इसकी रीडिंग कुछ, जब ये क्लियरली 97 रीडिंग आ रही है इसकी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 97 क्या है, इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट आपने यहाँ निकाला 0.01 mm, ओके। तो ये जब
करोगे आप तो आपका आएगा 0.497, ठीक है, ये आपका आएगा डायमीटर किसका, इस वायर का, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ वायर, ये आपका डायमीटर आएगा 0.497 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें इसमें और क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं इसका एरर, ठीक है। इसका एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसी उसी तरीके से आप स्टड्स को फिर से क्लोज करोगे, ठीक है। एरर क्या है इसमें, अब हमारे एरर्स में इसमें कौन कौन से एरर होता है, नेगेटिव एरर, और पॉजिटिव एरर, ठीक है, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या होगा, देखो नेगेटिव एरर होगा, ये हमारी रेफरेंस लाइन आएगी तो ये जीरो, ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन आपकी, तो इस तरीके से जो एरर होगा ये हमारा नेगेटिव एरर होगा, लेकिन हम रीडिंग में इसको पॉजिटिव करेक्शन में लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव करेक्शन में लेंगे। तो इस तरीके से ये रेफरेंस लाइन, तो हमारा अगर जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे होगा, ठीक है, तो इस ये हमारा पॉजिटिव एरर होगा, लेकिन ये हम रीडिंग में नेगेटिव करेक्शन लेंगे। अब क्या मतलब है नेगेटिव, देखो पहले आप देखो क्या है नेगेटिव एरर, देखो जब इसकी रेफरेंस लाइन के साथ इसका एरर, देखो हमारा ये जो है स्क्रू गेज, इसमें कोई एरर नहीं है, क्यों नहीं है एरर, क्योंकि रेफरेंस लाइन और ऊपर सर्कुलर स्केल का जो रेफरेंस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की जो मेन लाइन है, जो जीरो लाइन है, वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में, इस गेज में एरर नहीं है। अदरवाइज एरर मैं आपको क्या बता रही हूँ, अगर इस रेफरेंस लाइन से ये जो जीरो है, रेफरेंस लाइन से जीरो की ये वाली लाइन जो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो अगर ये जीरो इस रेफरेंस लाइन से जीरो नीचे की तरफ, अगर अगर आपके इसमें एरर है, तो ये एरर नीचे की तरफ, रेफरेंस लाइन टाइटली कनेक्ट नीचे की तरफ होगी, तो वो होगा हमारा पॉजिटिव एरर, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव एरर, अगर ऊपर जाएगा तो वो होगा नेगेटिव एरर। लेकिन जब उसको रीडिंग में लेते हो आप, जो नेगेटिव एरर होता है उसको हम पॉजिटिव करेक्शन लेते हैं, और जो पॉजिटिव एरर होता है उसको हम नेगेटिव करेक्शन लेते हैं। मतलब जो अगर हमारे हमारे इसमें एरर है गेज में, तो क्या है, जो आपकी फाइनल रीडिंग आएगी नेगेटिव एरर है, सपोज आपके पास नेगेटिव एरर है, तो इसमें हम इस रीडिंग में क्या करेंगे, नेगेटिव एरर में पॉजिटिव करेंगे उतनी रीडिंग, पॉजिटिव मतलब उतनी जितनी रीडिंग है उसमें ऐड करेंगे तो आपकी फाइनल रीडिंग आएगी, ठीक है। पॉजिटिव एरर नेगेटिव करेक्शन क्या मतलब, कि आपका अगर पॉजिटिव एरर है, आपका जीरो नीचे की तरफ रेफरेंस लाइन में है, तो वो आपका नेगेटिव करेक्शन होगी। नेगेटिव करेक्शन मतलब जितनी आपकी फाइनल रीडिंग है उसमें से आपने उतने माइनस करने हैं, जितनी जीरो नीचे है, जितनी डिविजन जीरो नीचे है उतना आपने माइनस करना है, तो आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी स्क्रू गेज की। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। ओके, थैंक यू।